प्रदेश के लखीमपुर में जिस तरह से दो सगी बहनों की हत्या की गई और बाद में उनका शव बरामद हुआ, ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। मामला यूपी का है लेकिन इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले का संज्ञान खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बारीकी से ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपकर एक महीने के अंदर अंदर दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिया है। इसके अलावा उन्होंने पीड़ित के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है और साथ ही साथ परिवार को एक पक्का मकान और कृषि भूमि का पट्टा भी दिया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने इस जानकारी को सबके सामने साझा किया। बता दें आपको, ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लखीमपुर में दो दलित लड़कियों की हत्या की गई और बाद में उनका शव पेड़ पर लटका हुआ मिला था, जिसके बाद पूरा देश इस मामले पर नजर बनाए हुए है। अब तक इसमें 6 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, लेकिन इन सब के बीच सीएम योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए ये घोषणा कर दी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को ये मामला सौंप दिया है और एक महीने में दोषियों को सजा दी जाएगी। इसके अलावा पीड़ित के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है और पक्का मकान, कृषि भूमि का पट्टा देने का भी ऐलान किया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पीड़ित के परिजनों के साथ योगी आदित्यनाथ खुद खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। बहरहाल, योगी सरकार में अपराधियों पर, कुख्यातों पर और जो भी गलत काम करते हैं उन पर नकेल तो कसी जा रही है, लेकिन अभी भी गुंजाइश बाकी है और इस गुंजाइश को दूर करने के लिए सीएम योगी और कड़ा रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले आपको, नाबालिग लड़कियों की रेप, हत्या, दलित उत्पीड़न और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में जो योगी आदित्यनाथ हैं वो कोई कड़ा फैसला ले सकते हैं। बहरहाल, अब जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, ये बड़ा ऐलान किया है, पीड़ित के परिजनों की मदद की है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर। सितंबर के अपराहन में यह सूचना निशासन थाना क्षेत्र पे यह प्राप्त हुई कि वहाँ दो बहनों का शव लटका मिला है। वहाँ तत्काल पुलिस मौके पे पहुँची तथा जो मृतका हैं उनकी माता जी के कंप्लेन पर मुकदमा दायर किया गया। लखनऊ से भी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौके पर भेजे गए। त्वरित गति से अन्वेषण करते हुए इस केस की सभी पहलुओं को देखा गया। सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस वहाँ कलेक्ट किए गए तथा 24 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था, तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें एक अभियुक्त घायल भी हुआ है पुलिस कार्रवाई में। इस संबंध में पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है, शव परिवारजनों को सौंपा जा चुका है, जो कि अपने रीति रिवाज से इस शव का अंतिम संस्कार करेंगे। महिला और महिला संबंधी अपराध के प्रति जो शासन की नीति है उसके तहत इस घटना को त्वरित गति से अनावरण करने के निर्देश शासन के द्वारा प्राप्त हुए थे। मेरी सबसे अपील है कि इस संबंध में महिला संबंधी अपराधों के प्रति सभी लोग अपने पीड़िता को अपनी माँ, अपनी बहन और अपने बच्चा समझ के पूरी संवेदनशीलता दिखाएं तथा हमेशा विक्टिम और ये विक्टिम की फैमिली का जो वर्षन है उसी को सर्वमान्य मानते हुए आगे की कार्रवाई करें।